हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुकदमा कोर्ट के अंदर दर्ज हो गया है या कोई भी एफआईआर थाने के अंदर रजिस्टर्ड हो गई है, तो क्या उस व्यक्ति को विदेश जाने से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर, अब तो हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में या हमारे ऊपर एफआईआर हो गई, अब तो हमारा पासपोर्ट ही नहीं बन सकता, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। बहुत डिटेल में आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि ये मैटर है क्या। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि कोर्ट के अंदर मुकदमे बहुत तरह के होते हैं। सिविल डिस्प्यूट होते हैं, यानी कि एक प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी मुकदमा कोर्ट के अंदर है। जितने भी सिविल नेचर के मुकदमे होते हैं उनका ताल्लुक आपके पासपोर्ट, आपके विदेश आने या जाने से बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, विदेश आ सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। पहली चीज, जो मुकदमे चेक बाउंसिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को चेक दिया, वो बाउंस हो गया, उस व्यक्ति के ऊपर केस कर दिया गया, अब कोर्ट के अंदर उसकी पैरवी चल रही है, मुकदमा चल रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी पासपोर्ट अप्लाई करना, विदेश जाना, विदेश से आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बेधड़क अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है और उन्हें वीज़ा में भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये क्वेश्चन किन लोगों के लिए खड़ा होता है, मैं उस पर डायरेक्टली आता हूँ। जिन लोगों के ऊपर कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, चाहे वो बहुत छोटे ऑफेंस के अंदर हो या वो किसी मर्डर या रेप के मैटर में हो, अगर आपके ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है और अब आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो अब सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दिया। जब आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं या पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए किसी को भेजता है, तो उसमें उनका जो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है वहां पर आपकी ये एफआईआर की डिटेल रिफ्लेक्ट करती है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपसे कहता है ऐसी सिचुएशन में कि आपके ऊपर एक एफआईआर है, आप कोर्ट से हमें एक एनओसी लाकर दीजिए ताकि हम आपको एक पासपोर्ट इशू कर सकें। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपके पासपोर्ट को मना नहीं कर रहा है कि वो नहीं बनाएगा, बल्कि वो आपसे कह रहा है कि आप हमें सिर्फ एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोर्ट से लाकर दीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत आसान काम है। आप अपने किसी भी लोकल एडवोकेट से मिलिए जो उस जगह काम करता हो और उनको अपनी सारी परेशानी बताइए, वो कोर्ट में एक अर्जी लगाकर, एप्लीकेशन लगाकर आपके लिए एनओसी लाकर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे ऊपर मुकदमा हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी एक पासपोर्ट था, हमें नए पासपोर्ट को बनवाने की जरूरत नहीं है, तो क्या मुकदमे की वजह से ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट पे कोई हमें रोक लेगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि हजारों लाखों लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं। पासपोर्ट डिपार्टमेंट को स्पेशली अगर सरकार की तरफ से लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है तो ही आपको एयरपोर्ट पर रोका जाएगा। और लुकआउट कॉर्नर नोटिस वो बहुत छोटी या बहुत बड़ी धाराओं में भी नहीं इशू किया जाता, बल्कि ऐसे मैटर के अंदर जब सरकार को लगता है कि इस व्यक्ति को विदेश जाने से रोका जाना चाहिए, उसके लिए स्पेशल कंडीशंस के अंदर लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है और फिर उसके बाद आपको वहां रोका जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर भी किया है, रेप भी किया है, उनके खिलाफ भी लुकआउट कॉर्नर नोटिस नहीं जारी किया जाता। अगर आपका ट्रायल चल रहा है, आप सिंपल कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगवाइए, कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है, आपको वीजा लेने की अनुमति मिल जाती है। आई होप आपके मैंने तमाम क्वेश्चंस के रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से किए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझसे इनबॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिसकी डिटेल नीचे दी गई है। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।